नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा से, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको गेट पर नजर आ रहा होगा लिखा हुआ क्रिसमस कार्निवल, यानी कि आज पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा की तरफ से क्रिसमस डे के मौके पर क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया है। आप लाइव तस्वीरों में मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे अपने माता पिता के साथ यहाँ पर क्रिसमस डे को मनाने के लिए आए हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है लाल और सफ़ेद रंग की जो ड्रेसेस है वो डालकर आए हुए हैं, ताकि क्रिसमस डे पे वो फुल इंजॉय कर सके। एक पहल की गई है पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा की तरफ से, ताकि छोटे छोटे बच्चे जो है इंजॉय कर सके अपने पेरेंट्स के साथ और डीजे पर काफ़ी जो है डांस कर सके। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार तरीके से जो है एंट्री वो की गई है, बैलून वो लगाए गए हैं, अंदर ढोल नगाड़े पर बच्चे डांस भी कर रहे हैं, साथ ही डीजे लगाया गया है उस पर भी बच्चे डांस कर रहे हैं। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। पाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वाइस चेयरमैन राकेश तायल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक ही छत के नीचे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इकट्ठा किया गया है पाइट ग्रुप की तरफ से, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, काफ़ी सारी हमारे सेलिब्रेशन होती हैं देश में, जिसमें से मैरी क्रिसमस एक है, और बच्चे बहुत लाइक करते हैं कि मैरी क्रिसमस बनाएं, क्योंकि आपका एक फेस्टिव सीज़न होता है और बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। न्यू ईयर भी आने वाला है और काफ़ी टाइम तक बच्चे घर में थे तो स्कूल्स खुले हैं, सो द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड कि वो जाएं, फ्रेंड से मिलें और वो कोई भी फेस्टिवल हो उसको अच्छे तरीके से बनाएं। सो नाउ दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन ओकेजन, आई गेस ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल, दे इंजॉय कमिंग टुगेदर एंड सेलिब्रेटिंग, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हमारे NFL के अंदर हमने जो शहीद हुए थे उनके बारे में, उनको वहाँ पे हमने कीर्तन और पाठ रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने क्रिसमस है, तो हर तरह के हर धर्म हम सबको बनाना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो भी फेस्टिवल्स हैं हमारे देश के अंदर, बिकॉज़ वी आर ए सेकुलर नेशन, तो हमें इस तरफ नहीं सोचना चाहिए कि हम कौन सा किस धर्म का फेस्टिवल बना रहे हैं, पर लेकिन हम सब का फेस्टिवल बनाएंगे तो हमारे के अंदर एक जो ह्यूमैनिटी है और एक जो एक ब्रदरहुड जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। तो यही संदेश हम सब लोगों को देना चाहते हैं कि रिलीजन से ऊपर उठ के आप जो अच्छाइयाँ हैं उन सब चीज़ों को लें, और जिसके जिस धर्म के अंदर भी जो भी चीज़ अच्छी हैं आप उससे ले सकते हैं, उसके लिए कोई आपको कोई रोक टोक नहीं करता है, एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस सब चीज़ों को अलाउ करता है। तो यही सब लोग समझें और जानें, तो आई गेस जो लोगों के अंदर जो स्ट्रेस है और जो एक घृणा जो हम पाल लेते हैं किसी न किसी सिस्टम से, उसको दूर करना है तो वो प्यार से ही कर सकते हैं और ये फेस्टिविटी से ही कर सकते हैं। तो हमारे पास इतने सारे अलग अलग धर्म और इतने इतने फेस्टिवल्स हैं, सो हमारे पास बहुत कुछ है, अबंडेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स आर देयर, सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नो टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर। तो यही चीज़ हम सबको बताना चाहते हैं और कामना करते हैं कि जो ये नया साल है सब लोगों के लिए बहुत अच्छा और शुभ जाए, क्योंकि दो साल आपके काफ़ी कठिन रहे हैं और सब लोगों ने उसको झेला है, तो होप करते हैं कि चीज़ें हम मिलके चीज़ों को ठीक करें और आगे चलें। एक संदेश दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं पाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वाइस चेयरमैन राकेश तायल जी हमारे साथ थे। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। तो अब हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम,
आज क्रिसमस कार्निवाल का आयोजन किया गया है आपकी तरफ से, आपके स्कूल की तरफ से। एक ही जगह पर जो है स्टूडेंट्स को भी, उनके पेरेंट्स को भी इकट्ठा किया है ताकि वो लोग इस चीज़ के बारे में भी जान सके कि आखिरकार क्रिसमस जो है क्या, तो उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहिए। देखिए, एक काफ़ी टाइम के बाद जो है वो किसी तरह का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है ड्यू टू कोरोना, जैसे आप सबको पता है। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है, पेरेंट्स आ रहे हैं, बट डेफिनेटली कोविड के पूरे प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया जा रहा है। सब ने मास्क भी पहना हुआ है एंड डेफिनेटली आई टू हैव अ मास्क विद मी, आई जस्ट टुक इट आउट सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा इन्जॉय चल रहा है, बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की गेम्स हैं। और बेस्ट पार्ट जो है वो इस चीज़ का मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो है हैंडीक्राफ्ट का एक स्टॉल हमने लगाया है और एक चॉकलेट्स का लगाया है जो कि बच्चों ने खुद बनाया है टीचर्स के साथ हेल्प करके, एंड दैट्स गोइंग ग्रेट। बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं बच्चों ने, चॉकलेट्स बनाए हैं, कपकेक्स बनाए हैं, मोबाइल कवर्स बनाए हैं, नेम प्लेट्स बनाई हैं, स्पेक्स कवर्स बनाए हैं, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। और कुछ थोड़ी सी फ़न की गेम्स भी रखी हैं हमने, छोटे छोटे हमारे बच्चे 3 इयर्स 4 इयर्स क्लास 1-2 के बच्चों ने बहुत सुंदर बैंड परफॉर्म किया, हुपला परफॉर्म किया। तो व्हाट आई फील कि लाइक बच्चों को एक अपना टैलेंट दिखाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म काफ़ी देर के बाद मिला है, एंड वी रियली होप कि दिस कंटिन्यूज एंड मैरी क्रिसमस टू वन एंड ऑल एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तस्वीरें हम आपको स्कूल के अंदर की दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आज क्रिसमस डे के मौके पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा की तरफ से। आप देख सकते हैं कि जैसे कि क्रिसमस डे पे ये दिखाया जाता है कि सांता आते हैं और वो जो अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो कुछ ऐसा ही मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। आप लाइव तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है ऐसी पोशाकों में नज़र आ रहे हैं, जिसे देखकर आप भी जो है खुश उठेंगे। तो आपसे फिलहाल इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा की तरफ से ऐसा आयोजन किया गया है ताकि बच्चे हर एक त्यौहार बहुत अच्छे से मना सकें। यस मैम, दे गेट अ टाइम टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ना, तो यही है कि बहुत अच्छा आयोजन किया हुआ है पाइट स्कूल वालों ने। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब एक ही जगह पर आपके बच्चे, आप भी कुछ इस तरीके का आयोजन आपने देखा होगा कि नहीं होता और आप लोगों को भी टाइम नहीं मिलता कि अपने बच्चों को ऐसे जगहों पे लेके जा सके, तो ऐसा मोमेंट क्रिएट किया गया आज। यस मैम, किड्स को टाइम मिलता है एक साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने में और फेस्टिवल्स का भी पता लगता है किड्स को। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ही क्रिसमस डे पर जो है एक अलग से क्रिएटिविटी की है इन्होंने ताकि बच्चे जो है फोटोग्राफी वो कर सके। आप देख सकते हैं कि एक बॉल तैयार की गई है जिसके नीचे खड़े होकर बच्चे जो हैं फोटोग्राफी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और भी काफ़ी गेम्स भी है बच्चों के लिए ताकि वो खेल सके और आज क्रिसमस डे के मौके पर वो खूब इंजॉय कर सके, खूब फन कर सके। तो आपसे भी आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें कि भाई कार्निवल एग्जैक्टली होते हैं, बिकॉज दिस फेस्टिवल इज़ ऑलरेडी अरेंज इन अ फॉरेन एरिया, सो बेसिकली इंडिया इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है और बच्चों को बता रहा है कि बेसिकली कार्निवल्स हैं क्या। तो उन्हें सेंटर्स के बारे में पता लगता है कि वो एक तरह का वेलविशर्स होता है हु कम्स एंड गिव्स प्रेजेंट्स टू देम, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। और इवन फंक्शंस, उनका पार्टिसिपेशन है, जैसे घर पे वो बहुत सारी चीज़ें लाते थे बनाने के लिए, तो उनको एक इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में कि हमें डेकोरेशंस करना है, सेंटा को बुलाना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो वो बहुत इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को।
फन गेम्स है, डांस है और खूब सारी मौज मस्ती है। यानी कि आज पाइट संस्कृति स्कूल हुड्डा की तरफ से क्रिसमस कार्निवाल का आयोजन किया गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा गेम्स भी थी जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है पार्टिसिपेट किया और खूब सारी यहां पर जो है मस्ती की। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत। Your life will be shining.